अच्छी हो। ये गिंडू बोल रहा था मेरे को तुम्हारी तबीयत खराब है कटेला जी। हाय तबीयत खराब हो के दुश्मनों जी सही भी तबियत खराब हो गई। वहाँ गया था दरवाजे पे मालूम हुआ तुम्हारी तबियत खराब है बोले तो आया ले लेके इनको। माँ सर्दी जुकाम हो गई थी ये माखी मिला भूम उठाया करोना हुआ मेरे को आगे छींकना खांसना गुना हो गया। अब करवा तो नहीं है ना तुम्हारे को। नू बोल रहा मेरे को तबियत खराब है बोले तो मुन्नी आपा से मालूम हुआ आजकल में है बोल के बोल रहे थे। आजकल में मर जाती हूँ सबको गाय को बैठती हूँ। अच्छा वो आम लेके आए थे 5 किलो देना था लाओ लाओ। नहीं अंदर फ्रिज में रखने लगे तुम्हारे भाव को देखे। खेत की जमीन है नहीं है तो मैं बोल रही थी जरा उसका कुछ तो भी कर दो वही तो तुम चले गए तो परेशानी हो जाएंगी। बोल अच्छा वो नहीं जी जमीन तुम्हारी चोरी नहीं करते नाम पे करो बोल रहे थोड़ा नहीं करते करते भाई जब तक है घाट में लड़ाया होते फिर क्या करना वो नहीं तो नहीं मंजर हिल्स की रोड नंबर की बाहर की जमीन है नहीं उतनी मेरे को इतनी तो भी दे देना कि अम्मा क्या होता उतनी मैं क्या करती तो। अच्छा कितनी खिदमत करे ना तुम तो जरा खुलूस ही नहीं है तुम्हारे पास। जब तक के मैं जिंदा हूँ मेरी चापलूसियाँ तुम लोग कर देना वो जमीन के टुकड़ों के वास्ते। जब तक जिंदा हूँ मेरी जायदाद मेरे नाम पर है। अच्छा देखा अभी पीछे लाई शायद अब तो 150 रुपए जो ₹150 मांगा देखा है तुम बोला ना तुम बहुत तारीफ करते ना इनकी। हाँ देख हमारी आपा की तबीयत खराब है बल्कि मिलने आई थी मैं। मेरे को क्या मालूम उन्हें पुराने फसादा पकड़ को बैठी बोल के। अरे माँ मिलने आई अच्छा करी आटो का खिलाया नहीं था तो कहीं कोई आई झूठ बोल रहा बस को लेके आया इन्हें चुप रहे कहीं कैसा बोल रहा तुम्हारे तरफ से मारा खा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ चलो 200 रुपए ₹2 नहीं देती मैं लेके गए तो क्या जिंदगी मर गए तो क्या पैतावे भी नहीं लेके जाते मरे तो। हाँ मैं लेको जा तू मुन्नी आपा के पास गई थी कि मैं क्या बोली मालूम है चल के जाके मिल के आएंगे बड़े आपा की तबीयत खराब है कहते बोले तो हाँ बोले तो क्या बोली मानो आती नहीं बोली पूरी जमीन हड़प ली है उन्होंने हमारे अम्मा की पूरा सोना गिना भी रख लिए तुम लेटर तो ला दिए थे ना जी सबको सबको दिए थे कुनी दिन आई नहीं मानू कमी नहीं कुटनी आई नहीं जाके मरे तक उनकी सूरत ने देखते कफन में बोल दी मेरे को। हाँ मैं भी मर को भी उसकी सूरत ने देखते हूँ मैं ऐसा बोल तो मैं तुम चले जाने के बाद उसकी सूरत क्या देखते बोल के तुम मुझे पड़े रहते थे। हाँ मैं कहीं तू जाती हूँ पहले उसको घर क्यों कुल जाती हूँ मैं जाती हूँ मैं कल्लू बोलो जी गिड्डा पाप देता जाके हाँ बात है बोलने जा मुंह पर बच्चों धरती हूँ क्या क्या नहीं तुम जर्रा भी नहीं बदले जी आप आम के झाड़ पे चढ़ के अपन आमा कैसा तोड़ के खाते थे हबीबी वैसे स्टार गुजरी तुम्हारी बाड़ी वैक्सीन नहीं कराई है अरे कुछ भी नहीं ऐसे बोल रही थी अब ज्यादा कुछ बोल के तुम गालियां ही लगेंगे। खाना गिना खाते जाती हूँ नीचे बिपाशा से भी मिल के आती हूँ तुम अल्लाह गिल्लो नको खाने में अलमारी की चाबी तो है बोलो बस उतने खाना खाती खा को क्या करती हमारी। अच्छा तो पुकार लो ना कब भी आ रही था खड़गड़े करो दो आते मतलब को आते कोई अकेले समोसे खाने गए थे फूस फूस के पहले हाथ में पूरी निकाल भी है मैं खा रही तो तू भी खा तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है क्या पा खिलाना बोल को कर रही थी मेरी सेहत को कर रही थी तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रही होंगी इसके बाद से ऐसा कर रही कई पैसा सोच के दिल घुड़ दे मैं वही बोल रही हूँ तुम इतने दुबले पतले कैसा हो गए मैं सोच रही थी।
Oh no. दुबले हुए? कहाँ से हो? बहुत दुबले हुए। अरे हाजी। पाँक। देखिए। जाएंगे चल अब। नहीं बना। हाय। मैं इनके पिन का खाने को। अजीबा। आई तुर तुर छोड़ जाएंगे कहीं प्याज खा रहे। पाँक। कंटिन्यू करो मैं आ रही हूँ। Oh no! Hey! नाटक लगा लगा को डुबली कर दिया मेरे को। मैं कैसे जाहिर करूं कि मैं शायर नहीं? तो फिर क्या? Oh no! बस एक जुनून है, कुछ कहना मेरे दिल का सुकून है। जमाल कोई अच्छी तारीफ प्रिया की कैसे? Oh no! Hey! तारीफ? प्रिया रेड्डी किसी की तारीफ की मोहताज नहीं। यस। प्रिया रेड्डी जो भी हम कहते हैं वो दिल से कहते हैं, क्योंकि प्रिया रेड्डी इस दिल में रहते हैं। प्रिया रेड्डी वो रेड्डी है। क्या रेड्डी? प्रिया रेड्डी क्या है? प्रिया रेड्डी वो रेड्डी है जिसके जेबों में नोटों की गड्डी है, समझे? लेकिन वो रखो मैं प्रिया रेड्डी वो रेड्डी है बोलते कि परेशान हो गए। मुझको गलत सुनाई दिया मैं इसलिए शॉक होके प्रिया रेड्डी वो रेड्डी है जिनकी जेबों में गड्डी गड्डी है। बस आगे का भी वही बोलेंगे हम अगर मुंह खोलेंगे। ओके थैंक यू कि आप हमें इस काबिल समझे। अच्छा कोई अच्छी शायरी? नहीं ऐसे तो कुछ शायरी मेरे पास रहती नहीं। मैं सुनी जमाल मस्त दबा की शायरियां मारता नहीं, वो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है तो ऐसी इसी तरह से वो अल्फाज निकल जाते। मैं ऐसा कोई शायर नहीं कोई लिखे हुए जो अल्फाज मेरे दिमाग में नहीं, वक्त की नजाकत से जो सब कुछ ना कुछ अल्फाज आया थे वो खूबसूरती आपकी। अच्छा मैं कितने साल की हूँ बोलो? मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि आपके साल भी कुछ शुरू हुए। झूठे। मेरी आंखों को ना जाने क्यों होता है धोखा। लोग बोलते कि प्रिया रेड्डी जो सो काफी एज के है, लेकिन मैं इस तरह का गेस तो नहीं करा क्योंकि प्रिया रेड्डी का फेस आज भी जो सो एक नौजवान लड़की की तरह लगता है, क्योंकि उनके चेहरे पे खूबसूरती है और एक अच्छी मुस्कुराहट है और जिंदा दिल इंसान है, अच्छे दिल के मालिक है और हकीकत में भी अच्छे है, क्योंकि अब तक तो हमारी मुलाकात जितने भी अवसर हुई करी वो हमेशा अच्छे ही थे और मेरे को इज्जत दिए और लोगों को भी दिए, मेरे सामने वही था तो मैं देखा। प्रिया रेड्डी गालियां नहीं देती क्या? प्रिया रेड्डी के गालियां तो लोगों के लिए रहते, लेकिन हमारे सामने तो अक्सर मजाक होता। कभी मैं गालियां दी? नहीं नहीं नहीं। सब तो शूट पे कैसा दिखा मेरे साथ? शूट पे भी अगर गाली दिया बोले तो कोई झूठ है। नहीं कैसा दिखा? अरे बहुत अच्छा दिखा, मैं नहीं बोलता नहीं बोलता मैं, हकीकत बात बोले तो बात अगर बुरा भी दिख सकता ऐसा है, लेकिन अच्छे है। जमाल के वास्ते प्रिया रेड्डी एक लड़की को देखेगा देख। इसीलिए तो तारीफ कर रहा हूँ। तो अपन क्या तारीफ करने के भी कुछ होते समझना। अजी खाला मैं अब तक टेंडर कहीं नहीं डाला। सुने मेरे वास्ते एक बच्ची देखो, खाली देखी देखी बोल के खाली आस पे रख रहे एक जवान बच्चे को। सुने मेरे जज्बातों की कदर करो। लोग बोल रहे भाई भाभी कहाँ है, भाई भाभी कहाँ है, शादी कब होती, शादी कब होती। मेरा तो इरादा शादी का नहीं है, लेकिन आपकी खुशी के वास्ते गर्लफ्रेंड रख लेता हूँ मैं। हमारे पास एक बच्ची है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन लेन देन क्या हो ना? लेन देन? हाँ। इधर बाबा आप क्या लेन देन रखेंगे, मेरा तो कोई डिमांड नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी क्या है बोले तो उन्हें अच्छी रहना, गोर गरीब ज्यादा भी नहीं रहना, क्योंकि गोर गरीब वहाँ बहुत मिले। मिलते कि रिचार्ज कराओ जरा एक 10,000 दियो, 20,000 दियो, पूरे खानदान की परेशानियां मैं पैसे वाला समझ के सुनाते रहते। अब मैं कहाँ से वो करूँ, मैं एक जिम्मेदार हूँ, इस तरह से लुटा तो नहीं सकता हूँ।
तो क्या है मालूम, अपन बच्ची का पैसा खाने वाले तो नहीं है, उसका पैसा उसको मुबारक, लेकिन क्या रहता दोनों में से एक जने तो भी पैसे वाले रहते तो गाड़ी अच्छा चलती, दोनों भी गरीब बोले तो बच्चे भी गरीब पैदा होते। तो मैं बच्चों को गरीब पैदा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह के मेरे जज्बात है, लोग जा भी मिले मेरे को भाई चाय पियो बोलेंगे, मैं चाय तो पीता हूँ नहीं, कॉफी है ये प्रिया रेड्डी की तरफ से कॉफी है, बल्कि इससे बात हूँ नहीं, हमारे नईम सर की तरफ से कॉफी है ये। तो हमारा सर कब रिलीज होने वाली है सर अपनी ये? अभी नेक्स्ट वीक कंफर्म करेंगे डेट। जी जी जी, ओके डन। पहले ट्रेलर लॉन्च होगा, ट्रेलर कॉफी पिंगे आओ, कॉफी विद प्रिया रेड्डी क्लबिंग रूम। साइलेंस रहता ये पूरा। नाइन सर की पिक्चर वेब सीरीज, हमारे ए आर एंटरटेनमेंट का